शाहपुर थाना क्षेत्र में 8 अप्रैल को हुई संतोष साहनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए शाहपुर पुलिस और स्वात टीम ने हत्या आरोपी टिंकू पासवान उर्फ राधा कृष्ण पासवान पुत्र सतीश चंद्र निवासी मोहद्दीपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन में इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि 15,000 का इनामी हत्या का वांछित अभियुक्त टिंकू पासवान उर्फ राधा कृष्ण पासवान पुत्र सतीश चंद्र निवासी मोहद्दीपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त टिंकू पासवान जमीनी विवाद में अपने साथियों के साथ संतोष की हत्या में शामिल था। मामले का पूरा खुलासा करते हुए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने बताया ये 8 अप्रैल की रात में हत्या हुई थी। चुंपो निषाद संतोष थाना शाहपुर के अंदर घटना हुई थी। करीबन 11 बजे की घटना थी। घटना में डेड बॉडी की शिनाख्त के बाद घर वालों को इन्फॉर्म किया गया था। उनके द्वारा 302 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। एक जने को नामजद किया गया था और इसके अंदर कुछ लोग अज्ञात थे। घटना का अनावरण किया गया। इस घटना के अंदर एक मुख्य अभियुक्त टिंकू पासवान, इसको गिरफ्तार किया गया है। घटना का मोटा जो कारण निकल के आया है वो जमीन को लेकर कशीदगी का है। इसके अंदर जो मृतक पक्ष है और अभियुक्त पक्ष है, दोनों अलग अलग पक्षों से एक जमीन को लेकर जो डिस्प्यूट था उसके अंदर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। उस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत जो मृतक पक्ष है इसको पैसा मिलना था। इस पैसे को देके आनाकानी चल रही थी और इस कशीदगी को लेके जो घटना का दिन है उस दिन दोनों पक्षों के बीच में फिर जो है हाथपॉप हुई और उसके बाद जो अभियुक्त पक्ष है वो गोली मार के वहाँ से फरार हो गया। उसके अंदर गोली मारने से लेके बाकी लोगों के नाम भी आइडेंटिफाई हो गए। साथ साथ उन लोगों के करदाताओं के नाम भी आइडेंटिफाई हो गए। टिंकू पासवान के ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था। जो शेष वांछित रह गए उनको भी अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जो अभी तक ज़मीन है ये मोहद्दीपुर एरिया की ज़मीन है और इस व्यक्ति को करीबन 5 लाख, जो इस इंटरोगेशन में बताया कि 5 लाख रुपए इनके अंदर मिलने थे। एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी थी, उसके बेटे ने उसके ऊपर आपत्ति की। आपत्ति होने के बाद दोनों जो खरीदने वाला था क्रेता विक्रेता पक्ष की तरफ से ये दोनों लोग अलग अलग पक्ष से लगे थे, सुलह हुआ। लेकिन इस व्यक्ति को जो अभी इसने घटना का कन्फेशन किया उसने ये बताया कि सुलह का पैसा नहीं मिला था। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद चला। सर तिवारी ऋषि के घर पर ही घटना हुई है और ऋषि तिवारी को सबसे पहले तो जो घर वाले उन्होंने नामजद किया है। ऋषि तिवारी जो है वो भी एक पक्ष से कोरिलेटेड है और अभी जैसा मैंने बताया इसके शुरुआती इंटरोगेशन में ये सारी चीज़ें आई हैं। शेष लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसके अंदर एग्जैक्ट रोल उसका और क्या है उसके ऊपर हम लोग